सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी ऑनर्स DSC 7 इकाई 1 थर्ड सेमेस्टर में आज हम आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे, जो कि इकाई 1 का दूसरे विषय है। इकाई 1 का पहले विषय की वीडियो पहले से अपलोड कर दी गई है, आप उसे देख सकते हैं, अतः बाद में इस वाली आप वीडियो को देखें, जिससे कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य का परिचय आसानी से समझा जा सके। आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य में हम आज असमिया, बांग्ला, उड़िया, गुजराती, मराठी, उर्दू, पंजाबी, मलयालम, सिंधी, मैथिली, कश्मीरी, तमिल, कन्नड़ एवं तेलुगु भाषाओं के साहित्य भाषा परिचय को पढ़ेंगे। यदि हम बात करें अपनी भारतीय भाषा बोलियों की कि किस प्रकार से, किस क्षेत्र से कैसी बोली उत्पन्न हुई है, तो हम उसे पहले देख लेते हैं। हमारी जो पश्चिमी हिंदी है, जो पश्चिमी क्षेत्र की हिंदी है, वहाँ पे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली एवं दक्षिणी भाषा बोली का प्रयोग किया जाता है। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी एवं जयपुरी। पूर्वी हिंदी में अवधी, भगेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी में भोजपुरी, मगही एवं मैथिली और एवं पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी एवं गढ़वाली बोलियों का, भारत की बोलियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम अपने DSC 7 भारतीय साहित्य इकाई 1 के दूसरे विषय आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य का संक्षिप्त परिचय में, जो हमें 14 भाषाओं के साहित्य को पढ़ना है, परिचय को पढ़ना है, हम उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम अपनी पहली भाषा बांग्ला के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे बंगला भाषा भी कहा जाता है। बंगाल की भाषा को बंगला या बंगाला नाम से जाना जाता है। इसका उद्भव मागधी प्राकृत से विकसित मागधी अपभ्रंश गोड़ी से हुआ है। भारत में यह पश्चिम बंगाल की सर्व प्रमुख भाषा है तथा बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा भी है। बंगला की अपनी लिपि है और इसका साहित्य बहुत ही संपन्न है। यदि बात की जाए बंगला भाषा की बोलियों की, तो इसमें पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तरी, राजबंगशी, पूर्वी आदि बोलियां जाती हैं। लेखक जो बांग्ला भाषा के लेखक हैं, उसमें बंकिमचंद्र, जिन्होंने वंदे मातरम जी को लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुकांत एवं शरत चंद्र। आगे बढ़ते हुए हम उड़िया भाषा की बात करते हैं। उड़िया भाषा की उत्पत्ति मागधी प्राकृत से विकसित मागधी अपभ्रंश के दक्षिणी पूर्वी रूप से हुई है। उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु लिपि बिल्कुल भिन्न है। लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित और तेलुगु से प्रभावित हुई। इसमें बोली जाने वाली बोलियां हैं गंजामी, संबलपुरी, भन्नी आदि। साहित्यिक रूप से संपन्न भाषा है और इसके लेखक सारला दास, राम विभार क्षस, सच्चिदानंद चौधरी आदि लेखक हैं उड़िया भाषा के। आगे चर्चा करते हुए हम गुजराती भाषा के बारे में पढ़ते हैं। जुर्जर, जो जुर्जर जाति के कारण गुजरात नाम अस्तित्व में आया, इसी गुजरात की भाषा गुजराती कही जाती है। इस भाषा की उत्पत्ति शोरसैनी प्राकृत से विकसित शोरसैनी अपभ्रंश से हुई। गुजराती की लिपि अपनी है,
जिसमें शिरोरेखा नहीं होती। शिरोरेखा अर्थात जो हमारी देवनागरी में हर एक अक्षर के ऊपर, वर्ण के ऊपर रेखा खींची जाती है, इसमें वो शिरोरेखा नहीं होती। साहित्यिक दृष्टि से यह संपन्न भाषा है। इसमें बोली जाने वाली बोलियां काठियावाड़ी, पट्टानी, सूरती आदि है। इसके लेखक नर्मद, नरसी, पन्नालाल पटेल आदि माने जाते हैं। अगली जो भाषा है वह है हमारी असमिया। असमिया भाषा की उत्पत्ति मागधी प्राकृत से विकसित मागधी अपभ्रंश के उत्तर पूर्वी रूप से हुई। असमी पर प्राचीन बंगला का बहुत प्रभाव है। इसकी अपनी लिपि है जो बंगला से बहुत मिलती जुलती है। इसकी प्रमुख बोली विश्रुपुरिया है। असमिया में पर्याप्त साहित्य देखने को मिलता है। इसके लेखक चंद्र कुमार, भट्टदेव आदि हैं। अगली जो भाषा है वह है हमारी मराठी। यह महाराष्ट्र की भाषा है, जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्री प्राकृत से विकसित महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुई। इसमें बोली जाने वाली इस भाषा की, मराठी भाषा की जो लिपि है वह देशनागरी अर्थात मोड़ी का भी प्रयोग है। इसमें बोली जाने वाली बोलियां कोंकणी, नागपुरी, कोष्ठी, महारी आदि हैं। इसके लेखक संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम आदि माने जाते हैं। अगली भाषा की बात करें, चर्चा करें तो आती है हमारी पंजाबी। पंजाब। पंजाब शब्द फारसी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है पांच नदियों का देश। पांच नदियों का देश जिसमें हमारी सतलुज, व्यास, रावी, चनाब और झेलम आती हैं। इसके बोलने वाले अधिकतर भारत में रहते हैं, किंतु कुछ लोग पाकिस्तान में भी यह भाषा बोलते हैं। इसका विकास भी लहंदा की तरह पेशाची अपभ्रंश से हुआ है, किंतु उस पर शोरसैनी अपभ्रंश का भी बहुत प्रभाव है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी गुरु अंगद ने बनाई है। इसमें बोली जाने वाली बोलियां मांझी, डोगरी, दुआबी, राठी आदि हैं। पंजाबी भाषा के जो लेखक हैं, ज़्यादातर जो इस भाषा में लिखते हैं वह पूरन सिंह और अमृता प्रीतम हैं आदि। आगे चर्चा करें तो आगे चर्चा में हमारी अगली भाषा आती है सिंधी। सिंधी। सिंधु नदी के कारण उसके आसपास का क्षेत्र सिंध कहलाया और वहाँ की भाषा सिंधी कहलाई। सिंधी के अधिकांश बोलने वाले पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं, किंतु कुछ भारत में भी हैं, मुख्यतः मुंबई, अजमेर और दिल्ली आदि में हैं। सिंधी का ब्राचंड प्राकृत से विकसित ब्राचंड अपभ्रंश से हुआ। इसके शब्द भंडार में अन्य कई आधुनिक भारतीय भाषाओं की तुलना में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों की अधिकता है। फिर भी संस्कृत तद्भव शब्दों की संख्या पूरे सिंधी शब्द भंडार का लगभग 75% है। भारतीय सिंधियों में कुछ लोग फारसी पर आधारित सिंधी लिपि तथा कुछ लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। सिंधी के लिए पहले गुरुमुखी लिपि का प्रयोग हुआ करता था। सिंधी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं बिचोली, सिराइकी, थरेली, लासी आदि एवं प्रमुख लेखक शाह इनायत, शाह लतीफ, अब्दुल हसन आदि। आगे चर्चा में हमारी अगली भाषा आती है उर्दू। उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है तथा इसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा अर्थात तंबू।
उर्दू नस्तालीख लिपि में लिखी जाती है, जो फारसी अरबी लिपि का एक रूप है। उर्दू दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। मातृभाषा के स्तर पर उर्दू भारत में 5.07 करोड़ तथा पाकिस्तान में 1.87 करोड़ और बांग्लादेश में 6.5 लाख की संख्या से बोली जाती है। प्रमुख बोलियां रेखता, दक्षिणी एवं उर्दू के प्रमुख लेखक मिर्ज़ा गालिब, बिलाशक, गुलजार, जावेद अख्तर आदि माने जाते हैं। अगली जो हमारी भाषा है वह है कश्मीरी। परंपरागत रूप से कश्मीर का साहित्य संस्कृत में था। कश्मीरी कश्मीर की भाषा कोशुर है। ये कश्मीर में वर्तमान समय में बोली जाती है। कश्मीरी भाषा के लिए विभिन्न लिपियों का उपयोग किया गया है, जिसमें मुख्यतः शारदा, देवनागरी, रोमन और परशो अरबी है। कश्मीर वादी के उत्तर और पश्चिम में बोली जाने वाली भाषाएं दर्दी, शिनया, कोहवाड़ कश्मीरी भाषा के उलट थी। कश्मीर की प्रमुख बोलियां रामबनी, काश्तवारी, पोगुली आदि हैं और एवं प्रमुख लेखक सोमदेव, आनंदवर्धन आदि हैं। आगे चर्चा में हमारी मैथिली भाषा आती है। मैथिली भारत के बिहार एवं झारखंड राज्यों और नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। यह हिंद आर्य परिवार के सदस्य तथा मागधी परिवार की भाषा है। इसका प्रमुख स्रोत संस्कृत भाषा है, जिसके शब्द तत्सम व तद्भव रूप में मैथिली में प्रयुक्त होते हैं। यह भाषा बोलने और सुनने में बहुत ही मोहक लगती है। बंगला, असमिया और उड़िया के साथ साथ इसकी उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुई है। कुछ अंशों में हिंदी से मिलती जुलती है। जो मैथिली भाषा की लिपि है देवनागरी है, और यदि वह तराई क्षेत्र में भी बोली जाती है नेपाल के, तो तिरहुत्ता भी इसकी लिपि है। प्रमुख बोलियां सोतीपुरा, देहाती, जोलाहा आदि एवं प्रमुख लेखक विद्यापति आदि। अगली भाषा हमारी तमिल मानी जाती है। तमिल एक भाषा है जो मुख्यतः तमिलनाडु तथा श्रीलंका में बोली जाती है। तमिलनाडु तथा पुद्दुचेरी में यह राजभाषा भी है। तमिल द्रविड़ भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। तमिल भाषा वट लिपि में लिखी जाती है। इसकी प्रमुख बोलियां कोयम्बटूर की तमिल है एवं प्रमुख लेखक अम्बे, बालकुमारन, चारु निवेदिता, धनुष कोडी, रामासामी आदि हैं। अगली भाषा हमारी है कन्नड़। कन्नड़ भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाने वाली भाषा तथा कर्नाटक की राजभाषा है। यह भारत उन 22 भाषाओं में से एक है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। कन्नड़ लिपि ब्राह्मी परिवार की एक अबुगीडा है, जिसका उपयोग कन्नड़ लिखने में किया जाता है। इसकी प्रमुख बोलियां कोडगु, तोड, कोट तथा बडग हैं। प्रमुख लेखक इसके तिरुमल्लार्य आदि हैं। अगली हमारी जो भाषा है वह है तेलुगु। तेलुगु भाषा भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की मुख्य भाषा और राजभाषा है। तेलुगु भाषा के उन 6 भाषाओं में से एक है जिन्हें शास्त्रीय भाषा के दर्जे से नामित और सम्मानित किया गया। तेलुगु लिपि ब्राह्मी से उत्पन्न एक भारतीय लिपि है, जो तेलुगु भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त होती है।
इसकी प्रमुख बोलियां ब्राह्मण, अब्राह्मण और हरिजन हैं। प्रमुख लेखक कंदकुरी, वीरेश लिंगम आदि माने जाते हैं। अगली एवं हमारी अंतिम भाषा आती है मलयालम। मलयालम भारत के केरला प्रांत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। ये द्राविड़ भाषा परिवार में आती है। इस भाषा के भाषिक भारत के पश्चिमी घाट के गर्भ में निवास करते हैं और इसी कारण यह नाम पड़ा। मलयालम लिपि ब्राह्मी लिपि से व्युत्पन्न लिपि है। प्रमुख बोलियां इसकी मालाबार, मपिला, बियरी आदि हैं। प्रमुख लेखक सीवी रमन पिल्लई आदि माने जाते हैं। इसी के साथ आज हमारी डीएससी सेवन की भी इकाई एक, भारतीय साहित्य की इकाई एक पूर्ण रूप से समाप्त होती है। कल रविवार है और इसी उपलक्ष्य में जो टाइम टेबल बनाया गया था कि किस समय किस दिन किस पाठ्यक्रम को पढ़ा जाएगा, तो उसमें रविवार में अभ्यास प्रश्न चिन्हित किए जाने थे। तो कल की कक्षा में डीएससी सेवन की इकाई एक, डीएससी एट की इकाई एक एवं डीएससी नाइन की इकाई एक, इन तीनों इकाइयों के अभ्यास प्रश्न बताए जाएंगे, जो कि आपको इंस्टाग्राम हमारे हिंदी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर इंस्टाग्राम हैंडल पर भी अपलोड कर दिए जाएंगे और अभ्यास प्रश्नों की पूरी वीडियो भी बनाई जाएगी और वो भी यूट्यूब पर चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर से मिलेंगे हम अपने डीएससी 7, 8 और 9 तीनों सब्जेक्ट्स की पहली इकाई के अभ्यास प्रश्न के साथ। धन्यवाद। आज के भी सारे नोट्स हमारे इंस्टाग्राम हैंडल हिंदी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर पर अपलोड पोस्ट कर दिए जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।